कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुकी। शेरशाह न सिर्फ कैप्टन विक्रम बत्रा की भारतीय सेना का सफर दिखाती, उसी के साथ उनको मोहब्बत की दास्तां भी दिखाती। आज हमें रिव्यू करने वाले शेरशाह मूवी को, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। शेरशाह मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको कहानी सबको पहले से ही पता होगी, क्योंकि कारगिल के युद्ध के वक्त विक्रम बत्रा ने अपने जान पे खेल के वॉर को जीता था। एक्टिंग की बात करूँ कि सिद्धार्थ मलहोत्रा ने उन्हें अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस मूवी में उन्होंने दी है। उन्होंने विक्रम बत्रा के किरदार में जान डाल दी। उसी के साथ बात करें कायरा अर्नॉल्ड, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है और उन्होंने अपने रोल के मुताबिक जो उन्होंने दिया उतना ही जितना उनको रोल दिया है उतना ही बढ़िया तरीके से किया, कुछ ज्यादा करने की कोशिश बंधा रहते हैं। म्यूजिक के बारे में शेरशाह गाने भले ही ज्यादा हिट ना हो, लेकिन जितने भी गाने हैं, जितने भी जगह उन्होंने म्यूजिक यूज किया है वो बढ़िया है। जो आखिर में उन्होंने बी प्रैंक का गाना डाल दिया उसे सुनकर के आदमी इमोशनल हो जाए और हाँ आंखों में से आंसू भी निकले। एक्शन की बात करो, एक्शन एकदम उन्होंने रियल रखा है, उसकी वजह से मूवी एकदम रियल लगती है। कुछ ज्यादा ओवर करने की कोशिश नहीं की है, एक दो जगह पर लगता है लेकिन उतना तो अब चल ही जाता है क्योंकि उसकी आदत जो पड़ चुके हैं। वीएफएक्स की बात करें इतने कुछ खास नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो वीएफएक्स का यूज, वीएफएक्स अच्छी तरह से दिखते नहीं है। जहाँ पे बात करें वो पहाड़ के सीन पे जब वो बॉम्ब गिराते हैं वो ऐसा लगता है एकदम बचकाना सा लगता है, एकदम कार्टूनिश की तरह लगता है, इसकी वजह से वहाँ पे कुछ रह जाता है। माई ओपिनियन मूवी बहुत बढ़िया, आप फैमिली के साथ देखते हैं। एक दो जगह पर अडल्ट सीन है और एक दो जगह पर गालियां और किसिंग सीन है। आपके घर में इतना चल जाता है तो आप अपनी फैमिली के साथ ये मूवी देख सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।